कि सबसे पहले मैं अमित शाह जी का, नड्डा साहब का और खासकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी और ख़ास करके हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का, बराड़ा साहब का और सारी कार्यकारिणी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के टिकट दे के और यहाँ फतेहाबाद हल्के में लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। और मैं सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का, बराड़ा साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी जिस तरह से इस इलाके में, चाहे एजुकेशन की बात है, पानी की बात है, जो भी बातें होगी, खासकर शहर की बात है, देहात की बात है, काफ़ी कुछ सड़कों की बात है, ठीक है। 5 साल में मुख्यमंत्री जी बहुत काम किया इस इलाके में, लेकिन जो काम बाकी रहा हुआ है पूरी कोशिश होगी इस इलाके में खासकर एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाएगा, खासकर पानी की टेलों पर पानी पहुँचाने की बात होगी, खेतों में लाइट देने की बातें होंगी, सारी बातें मेरे ध्यान में। उप मुख्यमंत्री जी, जो मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है 75 पार का, फिर से 75 पार सीटें आएगी और फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी बनने के बाद इस इलाके में जो भी समस्या होगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। नमांकन कब भरेंगे आप? नमांकन कब भरेंगे? 4 तारीख तो कोई आएगा, कोई बड़ा लीडर कोई? मैं अभी बात करूंगा क्योंकि अभी फैसला हुआ है टिकट का। मैं अभी रात को सुबह बात करके कल ही बता सकूंगा कौन कौन नेता। ये बात ठीक है, नशा की है, लेकिन काफ़ी इस अरसे में सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन तो भी कमी रही है, उसको आगे भी हम नशे के मामले में सख्त कदम उठाने की कोशिश करें। कई नेता टिकट की दौड़ में थे, आपको टिकट मिली है, कई नाराज भी होंगे, क्या उनको मनाया जाएगा? टिकट मांगने का अधिकार सबका है, कोई मांग जो नेता नाराज होंगे क्या उन्हें? कोई नाराज नहीं, पार्टी में कोई नाराज नहीं होता, पार्टी ने जो फैसला किया है सब नेता एक होकर हम हमारा निशाना एक ही होगा, फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब बने, सभी नेता लीडर हम मिलकर इस इलेक्शन को लड़ेंगे और सभी नेता साथ चलेंगे। मुकाबला किससे रहने वाला चोर साहब आपका? मुझे नहीं लगता किसी से मुकाबला, क्या बताऊं।